आपको से बात करनी है फटुलाका के बारे में, क्योंकि इसमें से ज़्यादा फ्लावर पाने के लिए अभी जैसे एक बार हमने इनकी मिट्टी में लगाया और इनमें खाद वगैरह सब कुछ डाली तो ये भर भर के अभी तक फ्लावर किए, लेकिन अब इनमें से और दिसंबर तक फ्लावर पाने के लिए, क्योंकि अगर ये ठंडी होती है फिर भी ये फ्लावरिंग करते हैं थोड़ी थोड़ी, जो अगर हम इनमें से मेंटेनेंस अच्छे से कर देंगे, खाद पानी देते रहेंगे और थोड़ी थोड़ी इनमें से धूप लगती रहेगी तो ये आराम से दिसंबर तक फ्लावरिंग करते हैं। तो इसलिए मैंने देखिए इनकी मिट्टी चेंज की हुई है, तो ये काम आप भी करें। मैंने इनकी मिट्टी चेंज की है और दोबारा से इनको लगाया हुआ है ताकि ये फिर से, तो देख सकते हैं मैंने इनमें से दो दो कटिंग्स लगाई हुई थी, इसको भी मैंने मिट्टी चेंज करके दोबारा से इन सभी में कटिंग लगाई है, तो ये दोबारा से ही कटिंग ग्रो होने लगी है और देखिए फूल फ्लावरिंग भी होने लगी है। तो मैं आप लोगों से यही बात शेयर करना चाहती हूँ कि इसकी मिट्टी चेंज करिए, इसकी कटिंग लगा दीजिए और ज़्यादा अगर मतलब बड़े हो गए हैं तो इनको कटाई छटाई कर दीजिए ताकि और ज़्यादा फ्लावरिंग दे, दिसंबर तक आप फ्लावर इसके पा सकें। देखिए इसके बीज होते हैं, बीज से भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है ये, तो ये इसके बीज हैं। तो आप लोग भी ये काम ज़रूर करें और वीडियो को पूरी देखें, मैंने इनको लगाया हुआ है, देखिए कितने खूबसूरत लग रहा है ना। ये छोटे छोटे पॉटों में इनकी एक ख़ास बात है, ये छोटे छोटे पॉटों में खूब आराम से हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी करते हैं, इनका बड़ा ज़्यादा पॉट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए सभी कबाड़ में लगे हैं, ये प्लास्टिक कट्टी में लगा हुआ है, ये बोतल में लगे, ये भी बोतल है और जितने मेरे रखे हैं सब बोतल में ही लगे हैं, बस ये नर्सरी पॉट है, ये मग्घा है और ये वैटी वाली बोतल है। तो कैसे लगे आप लोग, और देखिए एक चीज़ आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, कहाँ गया, देखिए ये सब मैं इनको डालती रहती हूँ पानी में भिगो करके, ये मेरे पालक है और ये मेरे आलू के छिलके हैं, सारी चीज़ें हैं, इनको मैं किचन से ही लाती रहती हूँ और अपने प्लांटों में डालती हूँ ताकि हमारा प्लांट हर चीज़ पाए, विटामिन और हर चीज़ से भरपूर रहे, तभी तो ये अच्छे से फ्लावरिंग कर, क्योंकि फ्लावरिंग करने वाले प्लांटों को ताकत की चीज़ें ज़्यादा देनी पड़ती है, तो इसलिए मैं अपने किचन से जो भी निकलते हैं छिलके सभी में कुछ ना कुछ विटामिन्स पाए ही जाते हैं, तो इसलिए मैं सारे छिलके अपने गार्डन में यूज करती हूँ अपने प्लांटों के लिए। तो बाय बाय लंबा गार्डन, वीडियो आप पूरी देखिएगा, अभी तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अभी ये शुरुआत में इतना सब कुछ बताया हुआ है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरी देखें। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमके गार्डन। तो आप सब कैसे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे, बोलने में जब भी गलती हो जाए तो मैं परिया पड़ चुका धन्यवाद करिए फ्रेंड। तो फ्रेंड आज मैं बात करूंगी अपने, बात करेंगे फटुलाका यानी जंजीर। फ्रेंड उनमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और इस टाइम तो उसमें कितने ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, भर भर के फ्लावर आ रहे हैं और गार्डन में चार चांद लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा यही प्लांट फ्लावरिंग करता है, बहुत ज़्यादा भर भर के उसमें फ्लावर आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इनकी। देखिए कितने तरह तरह के फ्लावर खिल गए हैं, ये रेड है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। देखिए मैंने अभी इनके मिट्टी चेंज की हुई है, तो मैंने मिट्टी चेंज करने का वीडियो नहीं बनाया था, मैंने फिर से इनको चेंज करके लगाया हुआ है ताकि इनमें से दिसंबर तक फ्लावरिंग होती रहे, क्योंकि ठंडी में भी थोड़ी थोड़ी धूप होती है ना, तो इनको थोड़ी सी भी धूप मिलेगी ना तो फिर भी ये फ्लावरिंग करेंगे, तो इसलिए मैंने इनकी मिट्टी अब फिर से चेंज कर दी है दोबारा से, और इनमें से खाद वगैरह डाल करके वर्मी कंपोस्ट ये सारी चीज़ें मिला करके मिट्टी में फिर से मैंने इनकी कटिंग लगा दी है। तो अगर आप भी अब देखिए फ्लावरिंग भी करना शुरू कर दी है, तो अगर आप भी इनमें से ज़्यादा फ्लावर अभी लेना चाहते हैं ना, तो आप थोड़ा थोड़ा इनके काम कर लीजिए, जो ऊपर के ज़्यादा लॉन्ग हो चुके हैं उनको कट करके हटा दीजिए, तो ये नीचे से देखिए नीचे से फिर से बूसी होगा और फिर से यहाँ से फ्लावरिंग करेगा। इन सभी को मैंने यही काम किया हुआ है, और देखिए ये मिट्टी सब मैंने निकाल उकाल के रख दी है, इसको भी मैंने लगाया हुआ है, कल ही अभी लगाया इसको, तो इन सभी में देखिए अभी ये सही से लगा नहीं है, इसको मैंने कल ही लगाया है, तो अभी एक दो दिन तो लग ही जाते हैं सेट होने में। तो आप भी ऐसे ही काम कर लीजिए ताकि इनमें से ज़्यादा फ्लावर आए, और देखिए कितने ज़्यादा फ्लावरिंग हो रहे हैं, मेरे टावर में भी कितने अच्छे अच्छे फ्लावर हो रहे हैं, और इधर साइड भी देखिए कितने सुंदर ये फ्लावरिंग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा यही फ्लावरिंग करता है, देखिए कितने गजब के इनके फ्लावर लगते हैं, गार्डन में चार चांद लगा देते हैं जब ये फ्लावरिंग करते हैं। और इधर मेरा ये अपारजिता ने फ्लावरिंग किया हुआ है, देख सकते हैं गार्डन में हर तरह के फ्लावर देखने में कितना खूबसूरत लगता है, जब तरह तरह के फ्लावर गार्डन में खिल जाते हैं तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखिए ये वाइट इधर खिला हुआ है और ये पिंक इधर खिल गया है, और इधर साइड देख लीजिए आप कितने सुंदर फ्लावर खिल गए हैं। देखिए ये चीज़ हम इनको हटाते जाएँ, ये जैसे फ्लावर हो जाते हैं तो ये सूख जाते हैं, तो इनको हम हटा दें, नहीं तो
इसे दोबारा से बड्स लगने में जल्दी देरी से लगती है, इसलिए हमें इन्हें हटा दें। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ कुछ करती हूँ तो इन्हें मैं ज़रूर हटाती हूँ, क्योंकि इनको हटाने से ही हमारा प्लांट और हेल्दी रहेगा और ग्रोथ करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और ये लगी रहेंगी तो हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करता। तो इन्हें हमें साफ़ सुथरा तो करना ही पड़ता है, देखिए, या फिर ऐसे ऐसे कर दे तो ये अपने आप से गिर जाते। थोड़ी सी ऐसे ऐसे हटा दें। मल्टीप्लाई कलर है और देखिए कितने अच्छे पिंक कलर खिला हुआ है, देख सकते हैं, है ना, खूबसूरत लग रहा है। ये येलो कलर खिल गया है, येलो और इसमें से रेड, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इनका कॉम्बिनेशन, रेड और येलो का कॉम्बिनेशन हाई, इतना सुंदर, देखिए कितना गजब का लग रहा है। अभी ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है, एकदम बादल छा गए थे और दोबारा से फिर से बहुत तेज़ी से धूप निकल आई फ्रेंड। तो ये तो फ्री के प्लांट हैं, इनमें से जितने भी आप फ्लावर लेना चाहें ले सकते हैं। और एक मैं दिखा देती हूँ, अरे वाह देखिए कितना खूबसूरत एकदम पिंक कलर खिल के रह गया है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, बहुत खूबसूरत लगता है फ्रेंड ये। और इधर साइड आप देख लीजिए, ये मेरा गुलदस्ता, तो गुलदस्ता ही बन गया है। इधर साइड देखिए कितने ज़्यादा फ्लावरिंग किए हुए हैं ये प्लांट, इनमें से फूल भर गए हैं सभी में, ये देखिए। ये सारे प्लास्टिक बोतल में ही लगे हुए हैं, मैंने इन सभी को प्लास्टिक बोतल में लगाया था और ये मैंने यूट्यूब का लोगो बनाया हुआ था, ये देखिए। ये सारे इस तरह बोतलों में अच्छे से ये बिखर जाती हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं। आप इस तरह इनको साफ कर दीजिए बस। और दिखाती हूँ मेरे गार्डन में, ये इधर बेला का फ्लावर खिला हुआ है, सदाबहार, ये देख सकते हैं आप। और आप लोगों को दिखा दे रही हूँ क्या खिला हुआ है मेरे गार्डन में सुंदर, ये समर की पिटुनिया, इधर ये येलो कलर, इधर ये सदाबहार, इसमें तो बहार ही बहार है, इसका नाम ही सदाबहार, तो ये सदा ही बहार है। देख इसके फ्लावर तो आप गिन ही नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा खिलता है। एक इधर ये चुपके चुपके से खिल गया है अंदर, और ये एक सदाबहार, ये बीज से ग्रो हो जाता है। और इधर देखिए यहाँ भी रखिए, और यहाँ भी कितने सुंदर फ्लावर किए हुए हैं, पूरा पॉट फ्लावर से भर गया है, देख सकते हैं आप। और इधर साइड देखिए, ये कितना सुंदर मेरा कड़ैल ने फ्लावरिंग की हुई है, ये देखिए, है ना, कितने अच्छे अच्छे इसमें से फ्लावर लग गए हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है ये फ्लावर। और इनमें से कितनी सारी बड्स लग चुकी हैं, ये सारे फ्लावरिंग करने वाले हैं, ने लगाया हुआ है इन सभी को। और इधर साइड से देख सकते हैं मेरा इधर सजा हुआ गार्डन। और इधर आते हैं तो देखते हैं ये, अरे वाह इसने तो फ्लावर से हद ही कर दी, पूरा पॉट भर गया फूलों से। देखिए ये है टिकोमा, टिकोमा बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, अगर नहीं लगाए ना तो प्लीज़ इसको लगाइए। ये फूल इतना फ्लावरिंग करता है, इतने फूल फ्लावरिंग, बहुत ज़्यादा फूल फ्लावरिंग एक ही चीज़ है, लेकिन देखिए कितने ज़्यादा फ्लावरिंग करता है कि पूरा पॉट फूलों से ही भर गया है। और फिर ये देखिए कितना खूबसूरत इसका फ्लावर है। और फिर इधर ये चाइना जोरा, इसने भी फ्लावरिंग करना शुरू कर दिया, चाइना जोरा है ये, देखिए कितना प्यारा इसका फ्लावर लग रहा है ना, देखिए कितना खूबसूरत है, एकदम मस्त, एकदम मस्त, सारे फ्लावर एकदम मस्त। गार्डन में आई है फूलों की बहार, मस्त बहार फ्रेंड। मैं क्या देख रही हूँ, क्योंकि कीड़े बहुत लगते हैं ना इस समय, जुराई जिसको बोलते हैं, तो इसलिए मैं देख रही हूँ कि यहाँ कहीं है तो नहीं कि मेरा प्लांट ही ख़राब कर दे। ना 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 है। तो मेरा गार्डन आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, लव माई गार्डन, लव माई फ्रेंड। तो आप लोग बताइएगा कैसे लगे इतने सारे ये फ्लावर, कैसे लगे आपको, ठीक है, कमेंट बताइएगा और वीडियो को पूरी वॉच करिएगा।
दूसरा ये मुर्गा केस, फिर ये चमेली, चांदनी, मिनी चांदनी, सेंटर चांदनी, बहुत सारी चांदनी होती हैं, वही इसमें लगी हुई है बैगनी कलर की, इस पॉट में लगी थी तो ये पूरा फूट गया था, तो मैंने इसको हटा करके इसमें लगाया हुआ है। अब से कुछ सेट हो जाए तब बाहर रखूँगी। और ये देखिए,